अगर थानेदार शिकायत दर्ज करने में देरी कर रहा हो या फिर केस में पुलिस की तरफ से सहयोग नहीं किया जा रहा हो, तो अब आप थाने में लगे QR कोड से सीनियर अधिकारियों को शिकायत कर सकते हैं या फिर बिहार पुलिस के काम को लेकर फीडबैक दे सकते हैं। इसके लिए पटना जिले के सभी थानों में QR कोड लगाया जा रहा है। इसकी शुरुआत पटना के कोतवाली पुलिस स्टेशन से की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पटना पहला ऐसा पुलिस स्टेशन बन गया है जहां QR कोड की सुविधा बहाल है। बेहतर पुलिसिंग के लिए पटना पुलिस ने पहल शुरू कर दी है। राजधानी से लेकर जिले के थानों में QR कोड लगाया जाएगा। इसके जरिए शिकायतकर्ता थाने में होने वाली परेशानी और वहां की व्यवस्था से संबंधित फीडबैक दे सकेंगे। शुक्रवार को इसकी शुरुआत कोतवाली थाने से की गई है। सिटी SP चंद्र प्रकाश ने बताया है कि SSP व मुख्यालय के आदेश पर QR कोड विकसित किया गया है। थाने में आने वाले पीड़ित इसके माध्यम से वहां होने वाले परेशानी, कितने समय में रिस्पांस मिला और यहां की व्यवस्था कैसी है, इसका फीडबैक दे सकेंगे। सिटी SP चंद्र प्रकाश ने आगे बताया कि SP वेस्ट, SP ईस्ट, SP ग्रामीण और SSP सदर स्वीटी सहरावत ने मिलकर मुख्यालय के आदेश पर QR कोड डेवलप किया है। इसका प्रयोग थाने में संबंधित फीडबैक देने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही SSP सदर स्वीटी सहरावत ने बताया है कि जिले के थानों को दो कैटेगरी शहरी व ग्रामीण में बांटा गया है। शहरी थानों को QR कोड से मिले फीडबैक के आधार पर अंक दिए जाएंगे। टॉप 5 में आने वाले थानों को वरीय अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। जिन थानों का फीडबैक खराब मिलेगा उसे सुधारने की कोशिश की जाएगी। बहुत ही साधारण तरीके से इस फॉर्म को तैयार किया गया है ताकि किसी को परेशानी नहीं हो। थाने पर QR कोड के अलावा ऑफलाइन मोड में भी फीडबैक देने की व्यवस्था होगी ताकि जो लोग स्मार्टफोन नहीं चलाते हैं वो ऑफलाइन अपना फीडबैक दे सकते हैं। ग्रामीण इलाके के थानों में भी QR कोड लगाया जाएगा। लोग अपने मोबाइल से ही उसको स्कैन कर अपना फीडबैक दे सकेंगे। फीडबैक एक फॉर्म बनाया है सभी नागरिकों के लिए। तो जब वो थाना पर जाएंगे, कोई भी शिकायत यदि जब वो लेकर जाते हैं, तो जो हमारे द्वारा पुलिस विभाग द्वारा जो 5 प्रण लिए गए थे उससे संबंधित उसमें प्रश्न रहेंगे कि आपको कितना समय जो है लगा थाना में, पुलिस पदाधिकारी ने कितना समय में आपको रिस्पॉन्ड किया, आपको आपकी शिकायत की प्राप्ति मिली या नहीं। इसमें थाना की साफ़ सफाई से संबंधित भी प्रश्न रहेंगे, साथ ही कुछ और भी ऐसे उसमें प्रश्न दिए गए हैं। और इन्हीं सभी प्रश्नों के जो उत्तर हम लोगों को फीडबैक में मिलेंगे उसमें पटना जिला के सभी थानों को जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अर्बन और रूरल। और अर्बन थानों को जो है एक ही ग्राउंड पर जो है उस फीडबैक के बेसिस पर मार्क्स दिए जाएंगे और उसमें जो टॉप 5 जो हमारे थाना रहेंगे उनको उसमें प्रशस्ति पत्र या जो है सीनियर सर के द्वारा जो है और प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही उसी फीडबैक पे जो थाना कमज़ोर है या जो इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं उस फीडबैक के माध्यम से ही उन फील्ड्स पे, मान लीजिए किसी थाना में यदि ज़्यादा समय दिया जा रहा है या ज़्यादा समय लग रहा है किसी भी परिवादी को सुनने के लिए, तो उससे संबंधित जो है हम लोग अपने स्तर से कोशिश करेंगे कि क्या वहाँ पर और सुधार किया जा सकता है। तो ये जो फीडबैक फॉर्म जो बनाया गया है, ये जो बिहार पुलिस दिवस के समय पर जो 5 प्रण विभाग के द्वारा लिए गए थे ताकि जन सेवा को और हम लोग अच्छे से कर पाएँ, तो उसी संबंध में है। और ताकि फीडबैक आप लोगों से लेकर जो विभाग की जो सेवाएं नागरिकों को दी जा रही हैं उसमें और सुधार किया जा सके। मैम, सबसे बड़ी चुनौती टेक्निकल चुनौती है। जो भी पीड़ित और आवेदक हैं अधिकतर वैसे बुलाते हैं या उनके पास नहीं है, उनको रिसीविंग ऑर्डर कैसे करेंगे? अभी जो है इसके पहले फेज़ में हम लोगों ने जिनके पास स्मार्टफोन है उनके लिए इसको बनाया है। इसमें कोशिश की जाएगी आगे कि जो लोग फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर जो इस्तेमाल नहीं करना जानते हैं, एक तरीके से उन लोगों को थोड़ा सिखाया भी जाएगा। आप लोगों के माध्यम से अभी हम लोग एक डेमो भी देंगे जो बहुत ही आसान है। उसमें आप लोगों को खाली जो फील्ड है उसमें बस चूज़ करना है आपके द्वारा, उसमें कुछ लिखित ऐसा कुछ नहीं लिया जाएगा जिससे कि किसी भी आम नागरिक को जो है उसमें समस्या हो सके। तो बहुत ही साधारण एक फॉर्म बनाया गया है
और आपके द्वारा जब हम लोग डेमो उसमें करेंगे तो उससे भी लोग जो है वो सीख पाएंगे कि कैसे अपना फीडबैक दे सकते हैं। क्या इसके लिए अलग से हेल्प डेस्क या अलग से कोई नंबर मोबाइल उपलब्ध कराई जाएगी ताकि लोग आसानी से इसमें अपना फोन कर सकें? ये आप अपने ही डिवाइस से जो है फीडबैक देंगे जो भी थाना पे आ रहे हैं परिवादी। हमारे यहाँ पे थाना में जगह जगह पर वो QR कोड लगाए जाएंगे जहाँ पर OD ऑफिसर बैठते हैं, जहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उनके पास रहेगा, महिला हेल्प डेस्क में रहेगा, गश्ती गाड़ियों के पीछे जो है वो QR कोड दिया जाएगा, तो जगह जगह कैंपस में लगाए जाएंगे, आप आसानी से वहाँ उसे स्कैन करके अपना जो है फीडबैक उसमें सबमिट कर सकते हैं। उनके लिए हम कैसे उसको बेटर कर सकते हैं, क्या वहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं जनसेवा में, उसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं, उसके लिए ये टूल डेवलप किया गया है, ये फेस वन का रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जितने भी आदमी गया उसका जो है वहाँ पे आवेदन का रिसीव नहीं हुआ, उसका सुनवाई नहीं हुआ, तो ऑब्जेक्टिव इसका सिर्फ इतना है कि हम सिस्टम को ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, हमें जो फीडबैक मिलेगा वो अब एक्चुअली ग्राउंड लेवल से मिलेगा, जो लोग के लिए हम जो है जनसेवा दे रहे हैं उन्हीं लोगों से हमें फीडबैक मिले तो वो ज़्यादा अच्छा फीडबैक रहेगा, और उसको जो अच्छा थाना जो परफॉर्मेंस देगा, अनुमंडल अच्छा परफॉर्मेंस देगा। स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में सीनियर SP पटना के द्वारा बताया गया था कि जो पटना पुलिस ने बहुत सारे पहल लिए हैं, लोगों के जो सुनवाई होती है जो थाने में उनकी पारदर्शी तरीके से जो है फीडबैक हम लोग लेने की दिशा में जो काम कर रहे थे, उसमें जो ये पहला चरण का जो पहला जो कार्य किया गया है पटना पुलिस के द्वारा, उसी के संबंध में आप लोगों को आज बुलाया गया है, उससे जो अवगत कराने के लिए, रूबरू कराने के लिए आप लोगों को। तो उसमें अभी हम लोगों ने जो थाने पे जो लोग आते हैं आवेदन लेकर के, तो उनकी या तो उनकी जांच होती है या उस पर FIR या जो भी आगे की कार्रवाई की जाती है, उस संबंध में जो है जब वो आते हैं उससे 20 मिनट के अंदर जो है उनकी सुनवाई हो, ऐसा जो है हमारे जो पुलिस महानिदेशक महोदय है उनका एक निर्देश है और हमारा ये संकल्प है जिसको हम लोगों ने जो अपनाया है, और इसी दिशा में जो है हम लोग जो है अपने कदम बढ़ा रहे हैं। तो उसी दिशा में आज पहला ये कदम है कि हमारी जो इन हाउस जो एक टीम है जिसमें कि हमारे SP वेस्ट हैं और हमारे दोनों SP ईस्ट और SP रूरल भी हैं, और जो हमारे इन हाउस जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है उन्होंने स्वीटी सहरावत जो अभी ASP सदर है उन्होंने दिया है, तो इन सब लोगों ने मिल करके जो है काम किया है, और हम लोगों ने एक QR कोड डेवलप किया है। इस QR कोड की मदद से जो भी व्यक्ति आएंगे उनको जो है एक मौका मिलेगा कि आप जो है अपना फीडबैक जो है दे सके, तो उसका एक लाइव डेमो भी इसके बाद किया जाएगा। फिलहाल जो है इसमें जो कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट जो है और जो उसमें जो है कैसे थानों का विभाजन वगैरह किया गया है, इस संबंध में जो है ASP सदर जो है ASP सदर 1 स्वीटी सरावत आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ कर देंगे, उसके बाद हम लोग जो है डेमो करेंगे और बाकी जो है लोग भी आपको कुछ कुछ जो है ब्रीफ करेंगे। ठीक, स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में सीनियर SP पटना के द्वारा बताया गया था कि जो पटना पुलिस ने बहुत सारे पहल लिए हैं, लोगों की जो सुनवाई होती है जो थाने में उनकी पारदर्शी तरीके से जो है फीडबैक हम लोग लेने की दिशा में जो काम कर रहे थे, उसमें जो ये पहला चरण का जो पहला जो कार्य किया गया है पटना पुलिस के द्वारा, उसी के संबंध में आप लोगों को आज बुलाया गया है, उससे जो अवगत कराने के लिए, रूबरू कराने के लिए आप लोगों को। तो उसमें अभी हम लोगों ने जो थाने पे जो लोग आते हैं आवेदन लेकर के, तो उनकी या तो उनकी जांच होती है या उस पर FIR या जो भी आगे की कार्रवाई की जाती है, उस संबंध में जो है जब वो आते हैं उससे 20 मिनट के अंदर जो है उनकी सुनवाई हो, ऐसा जो है हमारे जो पुलिस महानिदेशक महोदय है उनका एक निर्देश है और हमारा ये संकल्प है जिसको हम लोगों ने जो अपनाया है, और इसी दिशा में जो है हम लोग जो है अपने कदम बढ़ा रहे हैं। तो उसी दिशा में आज पहला ये कदम है कि हमारी जो इन हाउस जो एक टीम है जिसमें कि हमारे SP वेस्ट हैं और हमारे दोनों SP ईस्ट और SP रूरल भी हैं, और जो हमारे इन हाउस जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है उन्होंने स्वीटी सहरावत जो अभी ASP सदर है उन्होंने दिया है, तो इन सब लोगों ने मिल करके जो है काम किया है, और हम लोगों ने एक QR कोड डेवलप किया है। इस QR कोड की मदद से जो भी व्यक्ति आएंगे उनको जो है एक मौका मिलेगा कि आप जो है अपना फीडबैक जो है दे सके, तो उसका एक लाइव डेमो भी इसके बाद किया जाएगा। फिलहाल जो है इसमें जो कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट जो है और जो उसमें जो है कैसे थानों का विभाजन वगैरह किया गया है, इस संबंध में जो है ASP सदर जो है ASP सदर 1 स्वीटी सरावत आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ कर देंगे, उसके बाद हम लोग जो है डेमो करेंगे और बाकी जो है लोग भी आपको कुछ कुछ जो है ब्रीफ करेंगे। ठीक, फीडबैक की जानकारी थाने के अफसरों को नहीं होगी,
एसपी चंद्र प्रकाश ने आगे बताया है कि 1 अगस्त से तत्काल में कंट्रोलिंग पावर एसपी पश्चिमी अभिनव धीमान और एसएसपी सदर स्वीटी सहरावत के पास रहेगा। अच्छे से स्टेबल होने के बाद इसका कंट्रोलिंग पावर पटना एसएसपी के साथ एसपी ग्रामीण, एसपी मध्य, एसपी पूर्वी और एसपी पश्चिमी के पास होगा। फीडबैक की जानकारी थाने में तैनात पुलिस अधिकारियों के पास नहीं होगी, केवल वो लोग फॉर्म भर सकते हैं और फरियादियों की सहायता कर सकते हैं। अब कहाँ मिलेगा ये QR कोड, ये भी जान लीजिए। गश्ती गाड़ियों के पीछे QR कोड लगेगा जिसे स्कैन कर लोग दे सकते हैं प्रतिक्रिया। थाने में मौजूद OD ऑफिसर और सरिस्ता व अन्य जगहों पर QR कोड लगाए जाएंगे। अब इसके फायदे क्या होंगे ये भी जान लीजिए। इस QR कोड के लगने के बाद थाने के कार्यकलापों में पारदर्शिता आएगी, लोगों का सीधा फीडबैक मिलेगा जिससे जमीनी हकीकत की जानकारी भी मिलेगी। अब स्कैन करने पर आपको क्या मिलेगा, जैसे ही अपने स्मार्टफोन से QR कोड को स्कैन करेंगे एक गूगल फॉर्म खुलेगा। फॉर्म में आपका नाम, थाना, फ़ोन नंबर, थाने आने का कारण, थाने की साफ सफाई, शिकायत की प्राप्ति मिली या नहीं, पुलिस अधिकारी से मिलने में कितना समय लगा, पुलिस अधिकारी का व्यवहार कैसा था, महिला हेल्प डेस्क की काउंसलिंग से संतुष्ट हैं, आपको महिला हेल्पलाइन से मदद मिली या नहीं, संबंधित जानकारी पूछी जाएगी। आखिरी में आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। आपको एक बात और बता दें कि किनके जिम्मे होगा फीडबैक का कंट्रोल। फिलहाल अगस्त महीने की शुरुआत से फीडबैक को देखने का कंट्रोलिंग पावर SP वेस्ट अभिनव धीमान और SSP स्वीटी सहरावत के पास होगा। जब ये पहल पूरी तरह से सभी थानों में लागू हो जाएगी तब इसका कंट्रोलिंग पावर पटना SSP के साथ सेंट्रल SP, ईस्ट SP, वेस्ट SP और ग्रामीण SP के पास होगा। डैशबोर्ड का कंट्रोल चारों के पास होगा। संबंधित थाने के अधिकारियों को फीडबैक की कोई जानकारी नहीं होगी। महीने के आखिरी में टॉप 5 और लो परफॉर्मेंस के थानों की रिपोर्ट मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक की जाएगी। साथ ही बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और थानों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। अब कहां कहां कोड लगेगा ये जान लीजिए। इस पहल की शुरुआत पटना के कोतवाली थाने से की गई है। आने वाले दिनों में शहरी और ग्रामीण इलाकों के सभी थानों को QR कोड से जोड़ा जाएगा। थाने में जाते ही ये QR कोड OD ऑफिसर के बैठने वाली जगह के पास, महिला हेल्प डेस्क के पास, पुलिस की गाड़ियों के पीछे, थानों के कैंपस में जगह जगह लगाए जाएंगे। तो ये एक बेहतर पुलिसिंग का सराहनीय कदम है जो पटना पुलिस की तरफ से किया गया है और बिहार के अलग अलग थानों में भी इसे आगे चल करके लगाया जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।